कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पढ़ा था। 15 क्वेश्चन देखो ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये क्वेश्चन थे कल हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था क्या होता है। यहाँ पे दिया गया ये a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 के बराबर दिया गया है, विच इंप्लाइज दैट अब अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 के बराबर लिखने में। यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की मैंने अर्थमेटिक मीन की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 के बराबर। आगे देखो ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए की पावर एन माइनस 1 देखो विच इम्प्लाइज दैट ये 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इसको इस साइड ट्रांसपोज किया माइनस ए की पावर एन, इसको भी बी वाली को माइनस बी की पावर एन, यहाँ पे बी की पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए की पावर एन माइनस 1 आया, तो 2 में से ये गया 2 ए की पावर एन में से ए की पावर एन, तो ये बचा हमारे पास ए पावर एन, 2 बी एन में से बी एन गया तो प्लस बी एन इज इक्वल टू यहाँ पे आर एच एस ऐसे ही ए बी पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए पावर एन माइनस 1 के इक्वल लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ए वाली टर्म पे एक साइड करो तो मैं यहाँ पे ए की पावर एन और यहाँ से ये माइनस हो जाएगी ये टर्म बी ए की पावर एन माइनस 1 एक साथ और इधर ए बी की पावर एन माइनस 1 इस साइड लिया ये आ जाएगा बी की पावर एन साइड है तो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ए की पावर एन माइनस 1 इन दोनों टर्म में इसको कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ए और यहाँ से क्या बचेगा माइनस बी, ए पावर एन माइनस 1 कॉमन निकालो आर एच एस में भी और बी की पावर एन माइनस 1 कॉमन निकालो तो यहाँ से क्या बचेगा ए और यहाँ से बी की पावर एन माइनस 1 पावर यहाँ से एन माइनस 1 कॉमन निकलता है, एन में से एन माइनस 1 गया तो पीछे बी की पावर 1 दैट इज बी, यहाँ पे सॉरी साइन माइनस आएगा इसके बराबर, इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा ए की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 इसको इस साइड आओगे मल्टीप्लाई इस साइड आ जाएगा बी की पावर एन माइनस 1 डिवाइड हो गया और इधर क्या आएगा ए माइनस बी अपॉन इसको भी साइड लिया ये डिवाइड हो गया ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन या इसमें मैं लिखूंगा ए अपॉन बी होल पावर एन माइनस 1, तो ये किस तरह बनाया तो इसके जो 1 भी लिखो और इस 1 को मैं ए प्लस बी की पावर 0 लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 1 और ये एक ही बात है। तो जब देखो इक्वेट करो इक्वेशन में बेसिस सेम है इसका मतलब पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एन की वैल्यू क्या निकली 1 आंसर जिससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बन रही है और हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ 7 नंबर 5 रेशियो 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड कर दी
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है? लेट कितने नंबर चाहिए एम नंबर्स? लेट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन अप ए एम बी एम नंबर्स बिटवीन बिटवीन वन एंड 31 सच दैट ये एम नंबर सकते हैं किसके बीच में 1 एंड 31 सच दैट ये सीक्वेंस पहला 1 फिर उसके बाद ए 1 फिर उसके बाद ए 2 इस तरह ए एम और लास्ट में आ जाएगा 31 ये सेम ये सीक्वेंस से की भी बन रही है हियर ए फर्स्ट टर्म 1 है फिर उसके बाद बी बी होती है लास्ट में 31 है तो विच इंप्लाइज दैट बी किसके बराबर आएगा? डी का फॉर्मूला क्या था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 और एन किसके बराबर है? एन एन इज इक्वल टू किसके बराबर है? एम नंबर ऑफ टर्म्स एन किसको बोलते हैं जो ये हमारे पास नंबर्स हैं इनके बीच में एक के बीच में इसको हम एन कहेंगे एन प्लस वन के बराबर एन नंबर होती है तो इस केस में विच इज इक्वल टू आ जाएगा 31 माइनस 1 अपॉन एन किस का मैं क्या लिखूंगा एम प्लस 1 विच इज इक्वल टू 30 अपॉन एम प्लस 1 हमारे पास क्या निकला डी और डी इसके बराबर है तो नाउ ए 7 किसके बराबर होता है इज इक्वल टू ए प्लस 70 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ए की जगह 1 प्लस 7 इंटू डी की जगह 30 अपॉन एम प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए किसके बराबर आ जाएगा इधर लिखो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 210 अपॉन एम प्लस 1 ये निकला हमारे पास ए सेम फिर उसके बाद ए एम माइनस 1 ए एम माइनस 1 निकालना होता है ये आ जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी के बराबर ए की जगह 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की जगह आप क्या लिखोगे एम माइनस 1 इंटू डी की जगह 30 अपॉन एम प्लस 1 पी आ जाएगा 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू 30 अपॉन एम प्लस 1 के बराबर ये निकला एम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के रेशियो 7 और एम माइनस 1 टर्म का रेशियो क्या 5 रेशियो 9 के बराबर ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ए 7 अपॉन ए एम माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेशियो 9 विच इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए 7 की जगह में रखो 1 प्लस 210 अपॉन एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एम माइनस इसकी जगह 1 प्लस 30 इंटू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेशो 9 विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा किसके इक्वल यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो एम प्लस 1 प्लस 210 होल अपॉन एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे एम प्लस 1 प्लस 30 इंटू एम माइनस 1 होल अपॉन एम प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 देखो एम प्लस 1 एम प्लस 1 सेकंड फोर्थ से कैंसिल हो गया पीछे हमारे पास आया एम प्लस 1 प्लस 210 डिवाइडेड बाई यहां से क्या आ जाएगा एम प्लस 1 ये और ये कैंसिल हो गया 30 इंटू एम का 30 एम माइनस 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 इसको यहां पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं
m की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 किसके बराबर आएगा 211 अपॉन इधर भी m प्लस 30m 31m प्लस 31 माइनस 30 किसके बराबर आएगा माइनस 29 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 इंप्लाइज दैट 9 इंटू m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 9 इंटू m का 9m 9 इंटू 211 तो क्या आएगा 1899 + 1899 = 5 × 31 कितना होता है 150 5m माइनस 5 × 29 = 145 के इक्वल इन दोनों को सॉल्व करें m वाली टर्म देख साइड लिखो 9m माइनस 155m इज इक्वल टू माइनस 145 ये साइड जाके माइनस 1899 के इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों का इसमें से ये गया 915 में से 9 के तो पीछे 6146m इज इक्वल टू इन दोनों का क्या हो जाएगा 514 के लगा 4 कैरी 1 फिर उसके बाद 4314 के लगा 4 अगेन कैरी 1 उसके बाद 819110 के लगा 0 कैरी 2 तो 2 प्लस 910 के 0 कैरी 1 फिर से तो 1 2 माइनस 2044 विच इंप्लाइज दैट m की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2044 डिवाइड बाय माइनस 1462 m की वैल्यू क्या आती है दोनों को डिवाइड करो यहां पे डिवाइड करता हूं मैं क्या है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2044 से डिवाइड करना 146 को क्या आएगा 4 से जाता है 14 यह आ जाएगा किससे बराबर इन दोनों को डिवाइड करके 14 इसका आंसर m की वैल्यू कितनी आएगी 14 के बराबर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 मैन स्टार्ट्स पेइंग लोन एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ₹100 If he increases the installment of ₹5 every month, installment will increase the ₹5 every month, what amount he will pay in the 13th installment? इसको हम as a AP consider करेंगे, इसमें जो first installment, इसको first term, जो increase हो रही installments, उसको common difference लेंगे, ₹5 जो increase हो रही, इसको common difference को फायो, और 30th installment, इसको 30 term of rent करेंगे. 30th installment means 30th term of AP. Question number, कौन सा है? 17 का लिखो solution में है. A आप लो इसकी first installment जो कि 100 है. तो फिर उसके बाद B लो जो increase की installment 5 के बराबर. तो now 30th term ए 30 क्या आएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू ए की 100 प्लस 29 इंटू डी की 5 ये आ जाएगा किसके बराबर 100 प्लस 145 विच इज इक्वल टू 245 इसकी 30 इंस्टॉलमेंट आएगी 30 टर्म 30 देयरफॉर व्हाट अमाउंट ही विल पे 30 देयरफॉर यहां पे लिखा अमाउंट paid in 30th installment
और इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट होगी, रुपीज 245। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टी एंगल्स ऑफ पॉलीगंस 5 डिग्री का डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगंस। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगंस में हम रख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एंड नंबर ऑफ साइड्स हमने ऐसे रखी उस केस में, अगर हमने साइड इसकी रखी है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके बराबर आएगा, पॉलीगंस के सभी एंगल्स का सम। तो एंड उसके उसमें एंगल्स भी होंगे, नंबर ऑफ साइड्स एन है तो नंबर ऑफ एंगल्स भी एन के बराबर आ जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट कितना 120 और 5 का डिफरेंस है, इसमें 120 हम क्या लेंगे कंसिडर करेंगे, फर्स्ट टर्म 5 का लेंगे किसके बराबर, कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये इसका सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स अगर एन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जितने इंटीरियर एंगल्स उनके सम किसके बराबर आते हैं, फॉर्मूला होगा 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आएगा। बट ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एस एन अकॉर्डिंग टू भी एस एन के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू ये आएगा एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके बराबर विच इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू इंटू ए की जगह फर्स्ट टर्म 120 डिग्री लो प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतनी मतलब ये आ रही है इनका डिफरेंस कितना एंगल्स का 5, ये स्मॉलेस्ट एंगल 5 का डिफरेंस है, ये ले लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम है, ये भी और ये भी, इन दोनों को इक्वेट करके निकलेगी एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू होगी आपके पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, इसको आप खुद कंटिन्यू करवाओगे। नेक्स्ट देखो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इसको हम कहेंगे जीपी, जीपी एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर होगी जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होगी और फिर एक फिक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसमें फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे हमारे पास मान लो ये 3 हमारे पास एक नंबर है, मैं 1/3 में मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ये बनेगा 1/3 और मल्टीप्लाई किए 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 था ना, 3 में 1/3 मल्टीप्लाई किया 1 फिर 1 में और 1/3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/3 इसके थर्ड, फिर 1/3 में और 1/3 मल्टीप्लाई किया तो 1/9 इसकी फोर्थ है, जैसे 1/9 में और 1/3 मल्टीप्लाई किया तो यह 1/27 सो ऑन। इस टाइप की लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे, जीपी, या कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, हमारे पास 2 है तो मान लो मैं 3 इसमें मल्टीप्लाई करके जाता हूँ, 2 × 3 6 × 3 18 18 × 3 54 सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म क्या आती है 3, तो कॉमन रेशियो जो हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसको क्या क्या बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो, और आर से नोट किया जाएगा, जैसे एटी में टी होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आर होता है कॉमन रेशियो, ए 3 और कॉमन रेशियो क्या है 1/3। इसमें ए अगर हमारे पास 2 था तो मैंने कॉमन रेशियो क्या लिया 3 के बराबर। तो इस तरह से जो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म होती है उनको हम क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर को एल जी पी। इसकी जनरल फॉर्म क्या आती है, जनरल फॉर्म ऑफ जी पी क्या होगी, ए ए इंटू आर, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब प्लस वन आपको ए आर की पावर
आर की पावर एन माइनस वन लिख सकते हो आप इसको। क्योंकि ये n माइनस वन इसकी कांस्टेंट आएगी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक प्रोग्रेशन आएगी। इसकी जो nth टर्म होती है इसके बराबर आएगी, nth टर्म ऑफ gp इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, इसको आप an से नोट करोगे, ar की पावर n माइनस वन इसकी आएगी n टर्म का फॉर्मूला। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर आएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ gp, n टर्म्स ऑफ gp ये फॉर्मूला नोट करो। ये किसके बराबर होगी, इसको sn से नोट करोगे या s रखोगे, और sn किसके बराबर होता है, ये आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आ जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन के बराबर सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द जीपी। इस फॉर्मूले से ए इज द फर्स्ट टर्म और इज द कॉमन रेशियो। इस फॉर्म से आप सम ऑफ इन टर्म निकालोगे, ये आया हमारे पास किसका एन टर्म का फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म होती है। जब भी हमारे पास कोई फिक्स नंबर उसमें कोई फर्स्ट नंबर क्यों उस पर फिक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करते जाएं, जो स्टफ नंबर फॉर्म होगी उसको क्या कहेंगे, जीपी। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज कर इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जीपी के आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आज के लिए इतना ही रखा हूँ।